वाले जो आए थे, जिसको अरेस्ट करने के लिए आए थे, उस वजह से पुलिस वालों को आप कॉपरेट नहीं किए। कॉपरेट नहीं करने की वजह से जो पर्सन थे वो लोग एस्केप हो गए। साफ का कहना यह है कि आप जो गुनहगार है, गुनहगार को पनाह मत दीजिए, गुनहगार को साथ मत दीजिए। अगर आप गुनहगार के साथ रहेंगे तो आप भी गुनहगार बन जाएंगे, आप भी उसके साथ शामिल हो जाएंगे। तो लिहाजा जो गुनाह करता है, जो केस करता है, उसको इमिडिएटली पुलिस वाले जब आते हैं तो उनको हैंडओवर कर दिया जाए और जाके उनको लड़ाने के लिए आगे ना बढ़े, उनको सपोर्ट ना करे, उनकी हिम्मत अफजाई ना करे। और जो कल यहाँ पर इंसिडेंट हुआ था रात में, जो उसमें लेडीज जेंट जो भी थे, अगर वो लड़के को जो साथ दिए हैं उसी के जुर्म में शामिल हो जाएंगे। आप लोगों को ये मैसेज भेजता है कि अगर जो भी है उस केस में शामिल है, हबीब नगर पुलिस स्टेशन आकर सरेंडर हो जाइए, आपको पूरी मदद करेंगे। और उस जुर्म में कम से कम जो भी हो सकता आपकी मदद करेंगे पुलिस ऑफिसर। आप लोग ये गलती मत करिए, एक गुनाहगार का साथ मत दीजिए। कल के ही बोल के नहीं, जब भी पुलिस स्टेशन से यहाँ पर जो भी आएंगे ऑफिसर, उनका आप सपोर्ट करना, उनको हैंडओवर करना, या नहीं कि उनका मदद नहीं करना। चोर चाहे चोरी करने दो या रॉबरी करने दो या स्नैचिंग करने दो, एनी ऑफ केसेस में जो भी शामिल है, उन लोग को कभी आप मदद नहीं करना। आपको यही एक इलाज करते हैं हबीब नगर पुलिस स्टेशन के जरिए कि कभी भी कोई भी आदमी है तो उनको हैंडओवर करना और उनका साथ नहीं देना। कल टीजी न्यायपुर की जो नार्कोटिक सेल है, जो उस पर काम करते कल इंस्पेक्टर से आके और हमारे लोकल टीम से जाके मगरबस्ती में दीपक कामने के लिए सर्च करे, उस टाइम पे जरा पब्लिक एक दो एक बार ज्यादा गैदर हुआ कि उसमें से वो बच के निकल गया। तो उस लिहाज से आज भी हमारे को इन्फॉर्मेशन था कि और थोड़े लोग यहाँ पे जमा होके कुछ गांजा नाइट्रोजन टैबलेट्स बेच रहे बोल के मालूम हुआ। तो आज पूरे 200 आदमी के साथ आज हमारे सीपी साहब और डीसीपी साहब इंस्ट्रक्शंस पे एक अपने 200 पुलिस से अपने एसीपी आसिफ नगर, एसीपी गोशा महल और अपने पूरे दोनों जोन के अपने दोनों डिविजन के इंस्पेक्टर्स पूरे मिलके रेड करें। रेड करके एक दोनों तीनों को जो सस्पेक्ट है उनको भी लेके आए, और जो कामले दीपक कामले और वरुण अरुण कामले वो भी अपन को मिल गए, वो भी हम अप्रहेंड करे, वो सब इंक्वायरी कर रहे। आइंदा भी हम ऐसा इसको मांगर बस्ती को ऐसा एक हब जो तैयार हो रहा है वो एक अनसोशल एक्टिविस्ट के लिए, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइंदा से हम रेगुलर ऐसा रेस करते रहेंगे और वहां पे एक अच्छा माहौल पैदा करने की कोशिश करेंगे। साहब बॉटल फिर के मगर मारने लगा, वहां पे आके गिर गया, हाथ पे कुछ ऐसा लगा, तो उसके लिहाज से भी हम केस रजिस्टर करें, उसको भी हम पूरा नेम्स करेक्ट करें, पूरों को केस लगाए और पूरों को रिमांड करेंगे हम।